अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल आरएस ब्लॉग्स में। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और ये देखिए हस्बैंड जी मॉर्निंग वॉक करके आ गए हैं और थैला में सामान भी कुछ लेके आए हैं, तो देखती हूँ क्या लाए हैं। और ये देखिए कॉमेडी कर रहा है आके ही पहले ही मेरा। और ये देखिए अभी ब्रेड लाया है, थैला से निकल रहा है। और ये है छोले भटूरे, जो आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हम लोगों का यही होगा। बाहर से ही ला लिए तो मुझे आज बनाना नहीं पड़ेगा ब्रेकफास्ट, मुझे छुट्टी मिल गई है। कभी कभी अच्छा लगता है ना कि बाहर से ब्रेकफास्ट हो जाए, बनाना नहीं पड़ता तो अच्छा लगता है। बस सिर्फ चाय बनाऊंगी और बेटा भी सो रहा है, उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो बेटा उठ के ही खाएगा, तो हम दोनों खा लेते हैं। तो ये छोले भटूरे साथ में अचार और प्याज, और ये मैं नाश्ता रख के आ रही हूँ और चाय मेरी बन रही है, तो चाय डाल के अभी फिर नाश्ता करेंगे दोनों मिल के। लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे हैं अभी, बेटा अभी तक मेरा सो रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो बहुत ही आराम कर रहा है वो। तो ये देखिए हमारा छोला भटूरे आ गए हैं, ऊपर से ये नमक डाल रहे हैं हस्बैंड जी। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट करने का कोई मन नहीं था, पर अचानक से मन हुआ तो कर दिया। और अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, जो बाहर से लाए हैं देखिए छोले भटूरे। और मेरा बेटा अभी तक सोया है, उसको भी उठाऊंगी, पहले हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट फिर उठाऊंगी, वो आराम से उठेंगे, अब स्कूल छुट्टी है, एग्जाम खत्म हो गया है, तो चलिए फिर मिलती है थोड़ी टाइम बाद, मिलती हूँ। और ये देखिए बेटा जी अभी उठा है, मच्छरदानी अभी तक खोला नहीं मैंने, इसका अभी तक आँख नहीं खुला है मच्छरदानी के अंदर, ये अभी बैठ के नींदू नींदू हो रहा है लग रहा है। तो मेरा बेटा उठ गया है नींद से और बिस्तर देखिए ऐसे ही पड़ा है, तभी बिस्तर को समोटूंगी। और सुबह सुबह मैंने झाड़ू और पोछा कर लिया मैंने जल्दी ही आज नींद से उठ के ही, तो उसका वीडियो क्लिप नहीं ले पाई हूँ। बस अब बेटे को ब्रेकफास्ट दूंगी, पहले ये बिस्तर ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बेटे को ब्रेकफास्ट दूंगी। तो हम लोगों ने तो नाश्ता पानी कर लिया है सुबह सुबह, और बेटा लेट से उठा तो अभी बिस्तर को ठीक कर ले रही हूँ, पहले मच्छरदानी को उठा ले रही हूँ। मच्छरदानी का कलर देखिए नया ही लिया है येलो कलर का, इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, तो ये कलर ही ऐसा है लाइट कलर। तो चलिए मैं बिस्तर को ठीक कर लेती हूँ, फिर बेटी को नाश्ता देना है, वो भी बैठा है। तो बेटे का नाश्ता मैं निकल दे रही हूँ, छोले भटूरे रेडी है, आज नाश्ता बनाना मुझे नहीं पड़ा। एक आध दिन ऐसा छुट्टी मिल जाए तो अच्छा लगता है, हम हाउस वाइफ को तो कभी संडे मंडे होता नहीं है, हर दिन ही काम रहता है, पर कभी कभी अगर एक टाइम का खाने का छुट्टी मिल जाए तो बहुत ही एकदम हैप्पी हैप्पी लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो बस बेटे को दे दिया नाश्ता, वो अभी नाश्ता कर रहा है, हंस रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या लाए हो? ए देखो क्या है, मेरा सर, इसका मुंडी। ठीक से तो बोलो, ठीक से तो बोलो, और कैसे बोलेगा, दिखाए नहीं ये सब्जी लेने का यार, बोल रहा है मेरा सर ले आना, अब इसका सर लेके आया हूँ। और गर्मी पड़ गया है तो गर्मी का फल तो आएगा, ये लीची लाए हैं और बेटे को देखिए खिलाना देना पड़ रहा है, वो खुद से नहीं खाता है, छिलके को छील के उसके मुंह में अंदर डाल देंगे तभी वो खाएगा, वरना नहीं खाना चाहता है कोई भी फ्रूट, उसको खिला देना पड़ता है। तो हस्बैंड खा रहे हैं, उसको भी खिला रहा है बैठे बैठे, और मेरा अभी खाना बनाना बाकी है, तो खाना भी मेरा इधर किचन में बन रहा है। और आज मछली की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मछली मैं फ्राई कर रही हूँ, और दूसरे गैस में भी मेरा सब्जी बन रहा है, मछली की दाल बन रहा है, मूंग दाल मछली के माथा के साथ। तो आज मछली का सारा आइटम बना है, फूल गोभी आलू के साथ मछली की सब्जी बना रही हूँ, और मूंग दाल के साथ मछली की माथा बना रही हूँ, और साथ में केले की सब्जी की, मतलब केले की पकौड़ी भी बनाऊँगी, सब्जी की बोल रही हूँ। तो बस दोनों गैस में मैं फटाफट बना रही हूँ, और देखिए गाल मेरा फुला हुआ है, मेरे मुँह भी लीची घुसाया है हस्बैंड ने, तो वही लीची खा रही हूँ और खाते खाते खाना बना रही हूँ। तो बस सब्जी मेरी बन रही है, दूसरी गैस में मेरा केले का पकोड़ा भी बन रही है, और लंच की तैयारी यही है। और गैस देखिए कितना गंदा हो जाता है खाना बनाते बनाते, इसको भी पूरा फिर साफ़ करना है, तो एक बार सारा खाना बनाने के बाद ही फिर साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर अभी अगर पोछ दूँगी फिर खाना बनाते बनाते फिर झोल झाल तेल पड़ेगा तो फिर गंदा होगा, तो एक ही बार में साफ़ करूँगी। तो हम लंच करने को बैठ गए हैं, यह है देखिए सलाद काटा है, गाजर और खीरा, यह है मूँग दाल फिश हेड के साथ, यह है फूल गोभी आलू का मछली की सब्जी, और यह है पकोड़ा और चावल। तो खाना खाने के बाद ही फिर बात करती हूँ, टीवी में साउंड चल रहा है तो मैंने बैकग्राउंड वॉइस दिया है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो लंच के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हस्बैंड का नाइट था, तो जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्कर में मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत जल्दी रहता है ना दोपहर में खाना बनाने की,
कभी कभी बना लेती हूँ, पर आज थोड़ा लेट हो गया था तो वीडियो क्लिप नहीं लिया, और अभी सीधा शाम को ही मिल रही हूँ आप लोगों से। तो रात का खाना मेरा बन गया है, ज्यादा कुछ नहीं बनाया है। दिन में बनाई थी मछली की सब्जी और चावल बनाई थी, और केले का पकौड़ा बनाया था। तो रात में भी वही हम बस रोटी बना लिया, मछली की सब्जी है अभी, वही बन जाएगा, हो जाएगा। और बेटे ने कर लिया है डिनर, उसको भूख लगा था, मैंने अभी तक नहीं खाया है। तो अभी किचन पूरा फैला हुआ है क्योंकि पानी की थोड़ा दिक्कत है ना, पानी आता है शाम को 7:30 बजे, तो सारा फैला हुआ है। अभी देखिए पूरा किचन में दिखाती हूँ, ये देखिए बर्तन दोपहर का जितना सारा था सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है, सब खाने पीने का गंदा पड़ा हुआ है, उसको भी धोना है। और गैस में भी सब्जी वब्जी पड़ा है थोड़ा, उसको भी पोछना है, धोना है, सिलप को भी साफ करना है। तो पूरा किचन का भी क्लीनिंग करूंगी, इसके बाद ही फिर मैं डिनर करूंगी। फिर डिनर करने के बाद फिर आलस लगता है ना, मन नहीं करता, फिर किचन फैला हुआ रहता है, सुबह को फिर गंदा किचन अच्छा नहीं लगता है। तो पहले अभी किचन की क्लीनिंग करूंगी, नाइट किचन क्लीनिंग, उसके बाद फिर मैं डिनर करूंगी। ये देखिए मछली का सब्जी दिन का अभी भी जो रखा हुआ है बहुत ज्यादा है, मेरा बेटा ने तो खा लिया है, बस मैं ही बाकी हूँ खाने के लिए। और चावल भी है, रोटी भी है, सब कुछ है, जो मन होगा खा लूंगी मैं। पहले अपनी किचन की तो थोड़ा क्लीनिंग कर लूँ। तो आप लोगों को देखिए अंधेरा है, सारा लाइटिंग वगैरह रूम की सब बिल्डिंग की जल गई है, नीचे कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं उधर पास वाले बिल्डिंग के। तो नाइट किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, पानी का दिक्कत है तो शाम को ही क्लीनिंग करना पड़ता है, दिन में नहीं कर पाती हूँ खाना खाने के बाद, तो शाम को ही सारा कर रही हूँ। पहले सारा कचरा वगैरह उठा लिया क्योंकि फिर बर्तन धोऊंगी ना तो फिर ज़्यादा ज़मीन में पानी पानी होगा, फिर पोछा करूँगी ना ये कचरा फिर लग जाएगा, तो इसलिए पहले झाड़ू लगा के सारा कचरा उठा लिया। और अभी बर्तन रैक में धुला हुआ बर्तन रख दे रही हूँ, ये बकेट मेरा कभी खाली नहीं रहता है, हमेशा देखिए अभी रखा है बर्तन रैक में, अभी देखिए बर्तन धो के फिर ये भर गया। तो देखिए ऐसे ही होता है, बर्तन ये रैक कभी खाली नहीं होता, मेरा बकेट हमेशा भरा ही रहता है। तभी बस नाइट का किचन क्लीन कर रही हूँ, जब तक किचन साफ़ नहीं होता ना खाने को भी मन नहीं करता है। तो गैस भी बहुत गंदा हुआ था, इसको भी साफ़ कर लिया, और दीवार में भी तेल मसाले वगैरह लगता है, इसको भी साफ़ कर लिया। तो सारा किचन क्लीन रहता है ना तो फिर अच्छा भी लगता है, और अभी चैन से फिर खाना भी खा सकती हूँ, नहीं तो पहले अगर खा लेती फिर सफाई करने को मन नहीं लगता, पेट भर जाता तो फिर नींद आती। पहले सोचा क्लीन कर लूँ सारा, उसके बाद फिर आराम से खाना खाऊंगी। और बेटा ने पहले ही खा लिया है तो मुझे अकेली आज खाना है, हस्बैंड भी ड्यूटी गए हैं और प्यास लगी है मुझे, काम करते करते थक गई मैं। तो बस सारा हो गया किचन क्लीनिंग, अभी बस लास्ट काम ये चल रहा है किचन का पोछा, तो पोछा कर लूँगी अच्छे से फिनाइल दे के, उसके बाद फिर आराम से खाऊँगी मैं खाना। सारा काम मैंने कर लिया है और बहुत ज्यादा थक गई हूँ अभी, और हस्बैंड तो गए ड्यूटी, बेटा ने खा लिया, मुझे अभी अकेला ही खाना है। तो बस देखिए एक ही रोटी लिया हूँ और मछली की सब्जी थोड़ी सी, बस यही करूँगी डिनर में। और ब्लॉग अभी ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कॉमेंट ज़रूर करते रहिए, और जो भी नए दोस्त चैनल में आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो को फुल वॉच करने के बाद। ओके, आज का ब्लॉग एंड कर रही हूँ नाइट किचन क्लीनिंग के साथ, आज ब्लॉग एंड कर रही हूँ, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। मैं अभी खाना खा लेती हूँ, तो तब तक सब स्वस्थ रहिए और हिफाजत से रहिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।